नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। जितने भी हमारे SOL के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनको जो एडमिशन उन्होंने लिया था, जैसे फर्स्ट कट ऑफ में हो या सेकेंड में हो या थर्ड में हो, और जिस भी आपका कट ऑफ में आया है, अगर आपका जो पोर्टल पर आपको दिख रहा होगा कि PG एडमिशन इज़ क्लोज, समझ गए, उस पर दिख रहा होगा, आप सभी कह रहे हैं कि भैया ये जो इन्होंने दिया है फीस लिंक नहीं दी और इन्होंने आगे कोई जो शेड्यूल है कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट इन्होंने जो है PG एडमिशन क्लोज दिखा दिया। तो इसके ऊपर मेरे पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं दोस्तों के, तो मैं उन सभी को इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। वीडियो पे नए हो चैनल को अभी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। तो आप सभी के डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे साथियों देख लीजिए, आप सभी को मैं बता दूँ, आखिर एक बार हम वो नोटिस देख लेते हैं आखिर क्या आया। नोटिस का एक जो सबको मतलब मिल रहा है इंटरफेस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मेरे साथियों जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर एक आपको इंटरफेस मिलेगा PG एडमिशन 2021 क्लोज्ड। अब यहाँ पर जो बात करी जा रही है, दोस्त बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर 15 तारीख, इन्होंने 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी थी पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ और तीसरी कट ऑफ के लिए, पर फोर्थ कट ऑफ का तो शेड्यूल आया है। फोर्थ कट ऑफ लिस्ट मैंने आप सभी को बता दी, SOL की चल रही है, और इन्होंने यहाँ पर PG एडमिशन क्लोज दे रखा, तो इसका प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? अगर हमने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं तो हमारा फीस लिंक कब आएगा? तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को मैं बता दूँ। अब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय आप सभी के लिए बहुत जल्दी जो है शेड्यूल लाएगा आपकी कट ऑफ के लिए, और जो आपका पोर्टल है, ये जो पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल, ये बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, समझ गए। तो काफ़ी कमेंट थे मेरे पास, तो इसका जो है सॉल्यूशन देना आप सभी को ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनको लग रहा था कि हमारा एडमिशन नहीं होगा और यहाँ पर जो है एडमिशन क्लोज हो गए हैं, समझ गए। तो आप सभी को ये क्लोज नहीं हुआ है, मैं आप सभी को बता दूँ। देखिए इसमें लग रहा है टाइम, क्योंकि अभी जो है रेगुलर का आप देख सकते हैं एक नोटिस निकाला गया था, मॉर्निंग में एक नोटिस आया था, तो मैंने आप सभी को वो दिखाया भी था। वो जो नोटिस था वो सभी कोर्सेज के लिए था। बात करें कि आप सभी ने बोला था कि भैया ये रेगुलर के लिए है, SOL के लिए, NCVAP के लिए, तो वो रेगुलर के लिए था, समझ गए। SOL के लिए बहुत जल्दी कोई शेड्यूल ज़रूर आएगा, मैं आप सभी को बता दूँ, समझ गए मेरे साथियों। तो जैसे भी आगे अगर प्रोसेस होता है ना, अगर कट ऑफ का, जैसे भी कट ऑफ में आगे फीस लिंक आती है आपकी या डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के लिए आता है, तो कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। और आप सभी को मैं बता दूँ, अगर आपके एडमिशन में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिक्कत आएगी, तो उसको जो है आपको जो आपको इन्फॉर्म कैसे करेगा आपको दिल्ली विश्वविद्यालय SOL का, तो वो आपको जो है आपके ईमेल पर और मैसेज पर, जो मैसेज कहने का मतलब जो आपको फ़ोन नंबर डाला हुआ है उस पर आपको मैसेज करेगा। क्योंकि मेरे पास 2-3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आए कि भैया हमको डॉक्यूमेंट्स में कमी बता रहे हैं, तो एक गर्ल्स थी, उनका मतलब एड्रेस का कोई दिक्कत था, तो उनको एड्रेस के लिए ईमेल पे ही मैसेज आया, और एक का माइग्रेशन से था, माइग्रेशन से कुछ डॉक्यूमेंट्स में था, तो वहाँ पर भी उनको ईमेल पे ही पता चला, समझ गए। तो ईमेल भी अपनी प्रॉपर चेक करनी है। और ये जो अभी आपका मैंने दिखाया था आपको PG एडमिशन क्लोज्ड दे दिखा रहा था, ये अभी क्लोज नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूँ। और अगर फ्यूचर में अगर इसकी 5th कट ऑफ आती है SOL की, तो आप सभी को ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और सबसे पहले दूंगा मैं, इतना बता दूँ आप सभी को। बाकी देखिए अभी जो है SOL की 4th कट ऑफ लिस्ट का पूरा शेड्यूल चल रहा है, और यहाँ पर इन्होंने फीस लिंक नहीं दी है। कितने स्टूडेंट जब ये सोच रहे हैं कि यार अगर फीस लिंक, मैं आप सभी को बोलूँ, आप सभी सोचिए, जब तक यहाँ पर फीस लिंक नहीं दी और फीस पेमेंट ही नहीं हुई, तो 4th एडमिशन लिस्ट जो निकाली है आपने, उसका एडमिशन हुआ नहीं, तो कैसे कन्फर्म माने कि हाँ हमारा एडमिशन हो गया? आपने जब फीस लिंक नहीं दिया और यहाँ पर एडमिशन पोर्टल क्लोज बता दिया, तो 4th कट ऑफ लिस्ट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए बहुत जल्दी आपका जो एडमिशन पोर्टल है अपडेट हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जैसे भी इन्फॉर्मेशन आएगी SOL के रिगार्डिंग आपके, तो आप सभी को यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी मेरे साथियों। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि PG एडमिशन प्रोसेस जो आपका क्लोज बता रहा है वो कब तक ठीक हो जाएगा। हाँ, ये कहें कि कब तक ठीक हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूँ इसमें हल्का सा टाइम लगेगा, इतना मैं आपको बता दूँ। देखिए 2-3 दिन लग सकता है, 3-4 दिन लग सकते हैं, या हो सकता है कल ही परसों में आपका अपडेट हो जाए। पर जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने यहाँ पर रेगुलर के लिए एक नोटिस निकाला था, हो सकता है कि SOL भी आपके लिए एक नोटिस निकाले, तो इसके जैसे भी नोटिस आएगा तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी को बता दूँ, जो कुल सचिव जी हमारे जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा है कि 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है सभी कोर्सेज के लिए, समझ गए। वैसे जो ये नोटिस आया था, ये हम बात करें तो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए था, इसके अंदर
एसक्यूएल का तो मतलब यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं था, ना एसक्यूएल का था ना कि रेगुलर का था, समझ गए? तो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, तो इसमें हम सभी को कंसिडर करेंगे, बात करें एसक्यूएल हो चाहे एनसीवेब हो। वैसे था ये रेगुलर का ही, मैं इतना बता दूँ आपको। तो जैसे भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है आपके एसक्यूएल के रिगार्डिंग, तो आप सभी को बताई जाएगी। और जब भी आपकी क्लासेस शुरू होंगी या क्लासेस शुरू होने से पहले आपका जो सिलेबस होता है वो बताना, वो सभी आपको मैं बताऊंगा, समझ गए? सिलेबस के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक वीडियो प्रॉपरली बना दूंगा। आपके जो भी सब्जेक्ट है मुझे पर्सनली बता देना कि किस किस सब्जेक्ट पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, समझ गए? तो बाकी ये जो आपका एडमिशन प्रोसेस दिखा रहा है क्लोज, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे घबराए ना। और जिनका भी एडमिशन रुक रहा है तो कन्फर्म हो जाएगा, समझ गए? चाहे आपका कोई से भी कट ऑफ में हो तो आपका ठीक हो जाएगा और ये दोबारा से अपडेट होगा, समझ गए मेरे साथियों? तो आज की वीडियो में यहीं पेंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।